तालिबान दाग सकता है परमाणु बम। तालिबान के हाथ लग सकता है पाकिस्तान के 150 परमाणु बम। ट्रंप के पूर्व सलाहकार ने दी चेतावनी। दोस्तों आपको बता दें, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सुरक्षा सलाहकार रह चुके जॉन बोल्टन ने आशंका जताई है कि अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद अब तालिबानी पाकिस्तान के 150 परमाणु बम पर कब्जा जमा सकते हैं। बोल्टन ने कहा है कि अगर इस्लामिक कट्टरपंथी पाकिस्तान पर कब्जा कर लेते हैं तो परमाणु हथियार तालिबान के हाथ लग सकती है। उन्होंने कहा है कि तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जा के बाद अब उनके पाकिस्तान पर कब्जा की आशंका बढ़ गई है। जॉन बोल्टन ने एक इंटरव्यू में कहा है कि तालिबान का अब अफगानिस्तान पर नियंत्रण हो गया है, जिससे आतंकियों के पाकिस्तान पर कब्जा करने का खतरा बढ़ गया है। इसका मतलब है कि 150 परमाणु बम आतंकियों के हाथ में लग सकता है। इससे पहले अमेरिका के अफगानिस्तान से हटने के बाद अफगान सेना को दिए गए अरबों डॉलर का अत्याधुनिक हथियार तालिबान के हाथ में आ गया था। दोस्तों अब तालिबान आतंकियों के पाकिस्तान पर कब्जा का खतरा मंडरा रहा है। पाकिस्तान के पास करीब 160 परमाणु बम है। इसके अलावा उसके पास जमीन आधारित 102 मिसाइल हैं। पाकिस्तान ने अमेरिका से F-16 फाइटर विमान खरीदा है, जिसमें 24 परमाणु लॉन्चर भी मौजूद हैं। बोल्टन ने यह आशंका ऐसे समय पर जताई है जब पाकिस्तान में तालिबानी प्रभाव तेजी से बढ़ रही है। यही नहीं, तालिबान समर्थक पाकिस्तान के कट्टरपंथी मौलाना अब अपने देश में इस्लाम सीरिया कानून को लागू करने की मांग कर रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें, पाकिस्तान के द फ्राइडे टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार जब इस्लामाबाद पुलिस जामिया हफ्सा की इमारत पर तालिबान के झंडा उतारने पहुंची तो उसे भारी विरोध का सामना करना पड़ा। खुद मौलाना अब्दुल अजीज पुलिस के सामने खड़े हो गए। इसके बाद पुलिस टीम झंडा को बिना उतारे ही वापस लौट गई। दोस्तों वही मौलाना ने दावा किया है कि इस्लामाबाद प्रशासन ने शरिया कानून करने की मांग को मान लिया है। दोस्तों इससे ये बात तो साफ होता है कि धीरे धीरे ही सही, लेकिन वो समय बहुत ही पास है जब पाकिस्तान में भी तालिबानी शासन होंगे। ऐसे में पाकिस्तान के बाद जो परमाणु बम है वो तालिबान के हाथ लग सकता है और इससे पूरे दुनिया को खतरा हो सकता है। दोस्तों आप इस न्यूज़ को किस प्रकार से देखते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आप ऐसे न्यूज़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।